अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं अफगान मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। तो ये मेकअप लुक शुरू करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट जेल यूज़ की है और मैंने अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लिया। उसके लिए मैंने मेबलिन का ये लिप बाम यूज़ किया है इन शेड ट्रॉपिकल पंच। और ये जो मैंने लेंस लगाए हुए हैं ये आइडिया ग्लिटर ग्रे लेंस हैं जो कि मैंने iBank.pk से परचेस किए हैं। और बाकी सारी डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती जाऊंगी। जो जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती जाऊंगी सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अच्छा, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बाल बांध लूँगी ताकि ये फेस पे ना आए। इसके बाद मैं अपने फेस को प्राइम करूँगी, जिसके लिए मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का प्रो फेड फाउंडेशन प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये प्राइमर जो है ये बिल्कुल ऑयल फ्री प्राइमर है, सो ये ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है। एक्नी प्रोन और सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट प्राइमर है। इससे काफ़ी स्मूथ और मैट फिनिश आती है सारे दिन के लिए। इसको मैं अपने उन एरियाज़ पे लगा रही हूँ जहाँ पे मेरे पोर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्स, ताकि मुझे थोड़ा सा फेड इफ़ेक्ट मिले। और अभी मैं एस्टी लंदन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन शेड बेज 24। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है और मैं इसको डेली मेकअप के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। अगर मुझे हैवी मेकअप करना हो तभी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसको मैंने सारी उन जगह पे अप्लाई कर लिया जहाँ पे मुझे कवरेज चाहिए। और मैंने अपनी आईलेट्स पे इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी थिक कंसीलर है और ये आईज़ को क्रीसी कर लेता है। इसलिए मैं सिर्फ जो ब्रश जिससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसी को अपनी आईलेट्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छे से मेरे सारे डार्क एरियाज़ को कंसील कर दिया है। अभी मैं हुदा ब्यूटी की फॉक्स फिल्टर हाई कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन शेड 300N। मुझे इस लुक के लिए हाई कवरेज चाहिए, इसलिए मैं सारे प्रोडक्ट्स इन हाई कवरेज यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पर कोई भी इम्परफेक्शंस ना रहें। फेस के साथ साथ मैं अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी क्योंकि नेक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फेस के साथ आपको नेक पे भी अप्लाई करना चाहिए बहुत। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ इन शेड 306। इसको मैं फाउंडेशन और कंसीलर के बाद यूज़ कर रही हूँ। इसको आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे, लेकिन मैं बाद में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना फेस ज़्यादा हाईलाइटेड चाहिए। इसके बाद मैं एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अपने फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने मिनीसो से लिया था। मैं लिक्विड हाइलाइटर्स डेली मेकअप में यूज़ नहीं करती क्योंकि इससे आपका फेस बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड लगता है, जैसे इस वक्त मेरा लग रहा है यहाँ पर। इसके बाद मैं आईब्रोज़ फिल करूँगी। इसके लिए मैं AVH की डिप प्रो यूज़ कर रही हूँ, इबोनी। इसको भी मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करती, डेली मेकअप में यूज़ बिल्कुल नहीं करती क्योंकि ये काफ़ी हैवी लुक देती है और आपके आईब्रोज़ बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसके जेट ब्लैक है ये और काफ़ी डार्क फील करते हैं आईब्रोज़ को। तो अगर आपको किसी शादी पे जाना हो या ब्राइडल लुक क्रिएट करनी हो तभी आप इसको अप्लाई करें। डेली बेसिस पे मैं रिकमेंड करूँगी कि ना अप्लाई करें क्योंकि ये अभी कैमरा में इतने ज़्यादा बेशक विजिबल नहीं लगे, लेकिन रियल में आपके आईब्रोज़ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रही होती हैं इसको अप्लाई करने से। इसमें और भी शेड्स आते हैं, आपके अगर आईब्रोज डार्क हैं, लाइट हैं तो आप लाइट कलर में भी ले सकते हैं। मेरे डार्क हैं तो मैंने इस कलर में ली है। वैसे डेली बेसिस पे अगर आप पाउडर से फिल करें तो वो बेस्ट लुक देता है। इससे डेली मेकअप में आपका थोड़ा सा हैवी लुक हो जाएगा।
अभी एक आईब्रोज फिल हो चुकी है और दूसरी आईब्रोज मैं ऑफ कैमरा फिल करूँगी ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अभी दोनों आईब्रोज फिल हो गई हैं तो अब हम आई शेडो की तरफ चलेंगे। उसके लिए मैं हुदा ब्यूटी की रोज़ गोल्ड पैलेट में से एक आई शेडो लेकर अपनी पूरी आईज़ पर डस्ट आउट कर रही हूँ। जो आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है सैंडलवुड, और इसके बाद मैं इससे थोड़ा सा डार्क शेड कोको में अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। ये थोड़ा सा डार्क शेड है इससे, तो इसको मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करके अपने आईज के इनर कॉर्नर तक ब्लेंड करूँगी लाइक दिस। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो सिग्मा का E40 ब्रश है, और इसके बाद मैं ब्लैक शेड लेकर अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। इसको मैं एक सेपरेट ब्रश से ले रही हूँ, ये ब्रश मनीसो से मैंने लिया था। इससे मैं क्या करूँगी कि सिर्फ अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पर ये ब्लैक आई शेडो सिर्फ टैप किया है, और मैंने दूसरे ब्रश से इसको ब्लेंड किया है, और इसको मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर तक ब्लेंड नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे ही ब्लेंड करूँगी। इसके बाद मैं मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ शेड लाइट पेल। इसको मैं अपनी ब्रश की मदद से अपनी आईलेट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। बस थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया और अपनी आईज़ को मैंने ऊपर किया है तो वहाँ तक लाइन क्रिएट हो गई है जहाँ तक मुझे इसको डिफाइन करना है। तो अब मैं इसी को ही पूरे हाफ आईज़ पर अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह से। ये ट्रिक बहुत इजी है, अगर आपने कट क्रीज आई शेडो लगाना है तो आप थोड़ा सा अप्लाई करें और अपनी आईज़ को ऊपर करें, और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके आपको कट क्रीज कहाँ तक बनानी है। तो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया है। इसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से जो एक्सेसिव कंसीलर है उसको टैप टैप करके निकाल लूँगी। एक्सेसिव कंसीलर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप जो भी आई शेडो अप्लाई करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रीसी हो जाएगा। तो आपने एक्सेसिव कंसीलर निकालने के बाद आई शेडो अप्लाई करना है। अब मैं रोज़ गोल्ड पैलेट से 24K गोल्डन कलर का ये आई शेडो ले रही हूँ। इसको मैंने अपनी फिंगर की मदद से टैप टैप करके अप्लाई किया है, और इसके बाद मैं एक ब्रश की मदद से इसको सेट कर लूँगी। जितनी सफाई से आप अपनी क्रीज डिफाइन करेंगे उतना ही अच्छा ये आई मेकअप लुक लगेगा। इसके बाद मैं एक ब्रश की मदद से सारे अपने ये जो आई शेडोज़ हैं इनको इवन आउट कर रही हूँ ताकि कोई भी क्रीज ना रहे, कोई भी हार्श लाइंस ना रहे, सब कुछ ब्लेंडेड लगे। इसके बाद मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर इसी पैलेट में से कोको शेड लगा रही हूँ, जो मैंने अपने आईलेट्स पे भी अप्लाई किया था वही मैं नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं वही गोल्डन शेड अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पर इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं मेबलिन का वाटरप्रूफ जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ इन शेड 01 ब्लैक।
जैसे कि अफगान मेकअप लुक में जो मेन कंपोनेंट है वो आई लाइनर होता है। उन्होंने अपनी पूरी आईज़ जो है लाइनर से ऊपर नीचे से डिफ़ाइन की होती है, बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी आंखें उनकी लग रही होती हैं। तो इसी तरह से मैं भी जेल आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ अपनी पूरी आईज़ पर। ऊपर से मैं आई लाइनर लगाऊँगी और नीचे भी यही अप्लाई करूँगी। ये जेल आईलाइनर वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। इसको जब मैंने मेकअप उतारा तो काफ़ी मुश्किल से ये निकला था, लेकिन बिल्कुल भी आपके आईज पे फैलता नहीं है। जहाँ पर आप अप्लाई करे हैं वहीं पर रहता है। तो मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया है और अब मैं एक ब्रश की मदद से इसको अच्छे से स्मच कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल भी ऐसे जो हार्श लाइंस हैं वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो और काफ़ी ब्लेंडेड आईलाइनर लगे। इसके बाद मैं मेबेलिन का काजल अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। जिस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई उस टाइम मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था और अंधेरा हो रहा था, तो हम यहाँ पे लाइट्स ऑन करके देख रहे हैं कौन सी सूट करेंगी, लेकिन लाइट्स कोई भी सूट नहीं कर रही, तो अब हम ऐसे ही गुजारा करेंगे। ये काजल को मैंने अपर लैश लाइन पर भी अप्लाई किया और आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों आईज़ में। इसके बाद मैं ब्राउन्ज़र के लिए जेकेट का ब्राउन्ज़र यूज़ कर रही हूँ शेड 102। इसके बाद मैं बेनिफिट का रोज़ टेंट यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं अपनी चीक्स और नोज़ पे अप्लाई करूँगी और एक ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं सेफोरा का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन शेड 25 पेज। इसके बाद मैं लशेस का फेस कॉन्टोर किट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से मैंने डार्केस्ट शेड लेते हुए अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। इसी के साथ मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर करूँगी और अपने हेयर लाइन पे भी अप्लाई करूँगी और जॉ लाइन पे भी इसको अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं इसी पैलेट से वाइट हाइलाइटर लेते हुए अपनी ब्राउ बोन और आईज़ के इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी और इधर से ही मैं गोल्डन हाइलाइटर लेकर अपनी चीक बोन पर और नोज़ पर और जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटर चाहिए वहाँ पर मैं गोल्डन हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। वाइट हाइलाइटर एशियन स्किन पे इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं गोल्डन हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ। वाइट हाइलाइटर सिर्फ मैं ब्राउ बोन और जहाँ पर मुझे ज़्यादा डेफिनेशन चाहिए वहाँ पर अप्लाई करती हूँ। अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन का लूज पाउडर लेते हुए इन शेड बनाना, इससे मैं अपना फेस बेक कर लूँगी। इसके बाद मैं मेबेलिन का गो एक्सट्रीम मस्कारा यूज़ कर रही हूँ।
अब बारी आती है लैशेस की, तो मैं इसके लिए मिनीसो की नेचुरल लेंथ लैशेस यूज़ कर रही हूँ और ग्लू मैंने एसटी लंदन की आईलैश ग्लू यूज़ की है और इस तरह से मैं आईलैशेस अप्लाई कर लूँगी। लिप ग्लॉस के लिए मैं स्टेज लाइन का मैट लिप ग्लॉस इन शेड 05 यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ मेकअप कंप्लीट होता है और अब हम थोड़ी सी एक्सेसरीज पहन लेंगे। यहाँ पे मैं मेकारी की एक्सेसरीज पहन रही हूँ। ये आप कहाँ से ले सकते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़ा करें। और इसी के साथ ये अफगान मेकअप लुक कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।